600 रुपए ज्यादा लग रहे दोनों के। सबसे पहला जो प्रोडक्ट है, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज कैरीज वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक हॉल वीडियो, हॉल, और वो भी आप सबका मेरे ख्याल से बहुत फेवरेट होने वाला है, क्योंकि वो जगह ऐसी है जो सब लेडीज गर्ल्स की बहुत फेवरेट जगह है। एंड मे बी आपने गैस कर लिया होगा, वो है बंजारा मार्केट। यस, तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी बंजारा मार्केट विजिट करने की, एंड फाइनली मैंने गुड़गांव में बंजारा मार्केट विजिट करी इस बार, और जैसा उसके बारे में बोला जाता है एग्जैक्टली वो वैसी ही है। सो ये जो बंजारा मार्केट है गुड़गांव में, ये कोई परमानेंट प्लेस पर नहीं है, इट्स अ टेम्परेरी मार्केट। ये बदलती रहती है क्योंकि उनको एक परमानेंट प्लेस नहीं दिया जाता है, तो वो कहीं पर भी लगा लेते। तो इस बार मुझे सेक्टर 65 पे ये मार्केट देखने को मिली थी, और सीरियसली बहुत ही अमेजिंग स्टफ था, और अमेज़ॉन से 10 गुना लेस प्राइसेस पर, सीरियसली। तो मैं आपको ज़रूर दिखाने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या ख़रीदा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये दिखती कैसे है मार्केट, सो लेट्स हैव अ व्यू। हाय गाइस, आज हम आए हैं गुड़गांव की बंजारा मार्केट में, सो लेट्स एक्सप्लोर। हाय एवरीवन, आज हम आए हैं बंजारा मार्केट गुड़गांव में। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर सारा होम डेकोर स्टफ़ आपको देखने को मिलेगा। आपको यहाँ रग्स, कारपेट्स बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी में मिलेंगे, और जितने भी यहाँ पर डिज़ाइंस थे सब ऐसे थे जो कि आपको ऑनलाइन पेपरफ्राई या अमेज़ॉन वगैरह पर देखने को मिलेंगे। छोटे साइज़ के भी बहुत मैट्स वगैरह यहाँ पर थे। वुडन में भी अमेजिंग स्टफ़ यहाँ पे मुझे देखने को मिला, ट्रे और ये मेटल वर्क, बास्केट्स, क्रॉकरी, एवरीथिंग बहुत ही अच्छे डिज़ाइंस, एंड सब कुछ बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी में यहाँ पर अवेलेबल था। वुडन में आप देख सकते हो कितना अमेजिंग स्टफ़ है, ये वुड के सारा स्टफ़ है, फर्नीचर, मिरर, और ये वुडन प्लांटर्स, बहुत सी चीज़ें यहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी क्वालिटी में, बिल्कुल भी कोई डिफेक्ट नहीं। क्रॉकरी तो बहुत ही प्यारी मिल जाएगी आपको देखने के लिए, प्लांटर्स तो आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटीज़ में यहाँ देखने को मिल जाएंगे। यहाँ हर चीज़ की बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी वैरायटी है, मिरर्स और ये स्टूल्स जो आजकल बहुत ट्रेंड में हैं, और ये यूवी थक गया है, आराम कर रहा है। यहाँ वुडन वर्क में बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, फ्रेम्स, मिरर्स, और वॉल डेकोर के आइटम्स, किचन के आइटम्स, वॉल प्लांटर्स एंड अदर प्लांटर्स। और ये जो सामान आप देख रहे हो ना, ये सिर्फ 10-10 रुपीज़ में मिल रहे थे मुझे यहाँ, बट इसमें थोड़ा डिफेक्टेड थे तो उसमें से आपको निकालना पड़ा, थोड़ा सा छाटना पड़ा। मिरर के आइटम्स इतने प्यारे, और टेबल देखो, बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि ये बंजारा मार्केट से आया है। और ये लॉन्ड्री बैग जो मैंने यहाँ से परचेज करे हैं, ये अंकल बिल्कुल भी नहीं दे रहे थे, पर मैंने बार्गेनिंग करके काफ़ी रेट सही लगवा ली, और फाइनली मैंने इन्हें ले ही लिया क्योंकि मुझे सबसे अच्छा आइटम लगा। बार्गेनिंग तो फ्रेंड्स आपको करनी ही पड़ेगी, बार्गेनिंग तो बहुत अच्छी कर सकते हो आप यहाँ। ये लगा लो, उन्होंने मुझे 800 बोला था और मैंने 200 में फाइनली उनसे ले ही लिए, तो बार्गेनिंग आप इजीली करो और बहुत अच्छे से करो। और ये सोफ़ा थ्रो जो थे मैंने ये ख़रीदे, और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, इसमें आपको बहुत वैरायटी मिल जाएगी। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी क्रॉकरी भी ख़रीदी, और ये हो गई मेरी बंजारा मार्केट की शॉपिंग फिनिश। तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने वहाँ से क्या क्या परचेज़ किया, हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं ली क्योंकि मेरा रैंडमली प्लान बन गया था, और ऐसा मैंने कुछ पहले से डिसाइड नहीं किया था कि मुझे ये लेना है, बट जो जो अच्छा लगा होम डेकोर के लिए या किचन के लिए वो मैंने ले लिया। तो मैं आपको वन बाय वन दिखाने वाली हूँ कि कैसे मैंने प्रोडक्ट्स वो ख़रीदे, किन रेट्स पर, कितनी बार्गेनिंग करी, और उनका मटीरियल क्वालिटी सब कैसा है। सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है ये दोनों वास, ये देखिए डोनट वास, कितना ट्रेंड में है आजकल ये। अमेज़ॉन पे मैंने इसका प्राइस पता किया था, इट वाज अबाउट 800 to 1000, और ये गैस करेंगे आप कितने का हो सकता है, 150 रुपीज़ ओनली। और ये दोनों बार्गेनिंग करके मैंने 250 में ले लिए थे, एंड इट्स अ गुड डील। और लगाने के बाद में ब्यूटीफुल लगते हैं ना, बहुत ही प्यारा लुक आता है। दूसरी चीज़ जो मैंने ख़रीदी थी वो है ये इस टाइप के सोफ़ा थ्रो, ये देखिए इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, और ये पॉम पॉम भी है साथ में, डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी है, और पूरे इसमें कहीं भी कोई ऐसा डिफेक्ट नहीं है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, 100 रुपीज़ ओनली। अमेज़ॉन या पेपर फ्राई कहीं से भी आप देखेंगे तो 500 से ऊपर ही इसकी स्टार्टिंग है, और ये मुझे बहुत अच्छे रेट में मिल गया।
इतने अच्छे सोफा थ्रो मिल रहे थे तो मैंने दो ले लिए, तो ये भी एक बहुत ही प्यारा पीस है देखिए। और मैं आपको डिज़ाइन भी करके दिखाऊंगी मैंने कैसे कैसे ये चीज़ें लगाई हैं, ये देखिए। उसके बाद मैंने ये छोटू से मक्रेम में प्लांटर्स के लिए लिए थे ये दो के सेट, 50 rupees फॉर पेयर ओनली, देखो कितना अमेजिंग है ये। एंड ऐसा ही मैंने जब मेरा घर डेकोरेट हुआ था, रेनोवेट हुआ था सॉरी, तब मैंने अमेजोन से ख़रीदा था तो उसका प्राइस काफ़ी हाई था, और ये सेम है क्वालिटी में भी कोई भी डिफरेंस नहीं है। और ये पेयर है, ये जूट की मैट, ये तो मैंने बस चलते चलते लास्ट में ले ली थी, वो भी मुझे मेरे पीछे पड़ गया था तो मैंने ले ली थी, जस्ट 50 rupees ओनली। नेक्स्ट है ये हैंड वॉश के लिए डिस्पेंसर, ये क्वालिटी अमेजिंग है। ये थोड़ा मुझे महंगा दिया था क्योंकि इसमें कोई भी बिल्कुल भी 1% भी डिफेक्ट नहीं है, और क्वालिटी भी बहुत प्रीमियम है इसकी, तो अराउंड 300 समथिंग ये मुझे मिला था, बट इट वॉज़ अ गुड डील। ये दो प्लेट्स का सेट, ये भी मुझे कलर बहुत ही प्यारा लग रहा था और मैं बहुत टाइम से ऐसा ढूंढ रही थी, तो मुझे बस दो ही मिली हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा चाहती थी बट दो ही मिल पाई। और इसके साथ बोल्स भी हैं सेम कलर के, एंड 50 rupees वन प्लेट ओनली। ये है मैचिंग के बोल्स, लुक एट द क्वालिटी, सेम प्राइस 50 rupees फॉर वन बोल, तो 200 rupees में आपकी दो प्लेट्स और दो बोल्स बन गई। अब जो है ना मेरा प्रोडक्ट वो लास्ट प्रोडक्ट है, बट वो सबसे अच्छा लगा मुझे, बेस्ट प्रोडक्ट वो है ये आप इसे लॉन्ड्री बैग बना लीजिए, बच्चों के टॉयज रखने के लिए या कुछ भी एक्स्ट्रा स्टफ रखने के लिए इसे यूज़ कर सकते हो, बहुत ही स्पेशियस है। सबसे अच्छा मेरा फेवरेट प्रोडक्ट यही है, और आप आइडिया लगा सकते हो इसका प्राइस ओनली 200, वो भी दो दो मिल गए मुझे। ये थोड़ा छोटे साइज़ का है और ये बड़ा साइज़ है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बंजारा मार्केट से परचेज़ की थी, एंड लिटरली इतनी अच्छा स्टफ था ना वहाँ पर, डेकोरेशन का तो बहुत ही एवन स्टफ था। हाँ आपको थोड़ा सा छाड़ना पड़ता है क्योंकि कुछ उसमें ऐसा यू नो ख़राब पीसेस भी होते हैं, बट अगर आप निकाल लोगे ना उसमें से टोटली यू विल बी हैप्पी, बहुत ही मज़ा आ जाएगा लेकर। मेरी कार में ज़्यादा जगह नहीं थी और मुझे बहुत दूर आना था, इसलिए मैं थोड़ा सा ही सामान ले पाई, बट इसमें मैं बहुत हैप्पी हूँ। तो गाइस अगर आप ना घर रेनोवेट कर रहे हो और उसके बाद डेकोरेट कर रहे हो, तो एक बार ज़रूर जाना बंजारा मार्केट, यू विल लव इट। और अगर आप पहले से ही ना कुछ लिस्ट आउट करके जाओ कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, वहाँ आपको A to Z सब कुछ मिल जाएगा, लाइट्स, रग्स, डेकोरेटिव फ्रेम्स, पेंटिंग्स, एनीथिंग, यू विल हैव एनीथिंग देयर, बहुत चीज़ें मिलेंगी आपको। लेकिन अगर आप लिस्ट बनाकर जाओगे ना, तो वहाँ पर जाके कन्फ्यूज नहीं होगे। मेरे साथ ऐसा था कि मैं रेंडमली चली गई थी, तो मैं बहुत कन्फ्यूज थी कि क्या लूँ क्या नहीं। हाँ कुछ चीज़ें मैंने सोची हुई थी पहले से कि मुझे ये लेनी है, तो वो तो मैंने फटाफट से ले ली, जैसे कि ये सोफ़ा थ्रो मैंने सोचे हुए थे 150 ओनली यार, मैंने 800 का पहले अमेजोन से मंगाया था क्योंकि मुझे बहुत ही पसंद है ये सोफ़ा के लिए। सोफ़ा बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, तो उस पर कुछ ना कुछ कवर करने के लिए चाहिए ही होता है, तो क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। लेकिन ये बस एक कमी थी कि एक ही पीस मिल पाया, अगर ज़्यादा सेम मिल जाते तो बहुत अच्छे से मेरा सोफ़ा उसमें कवर हो जाता। अब मैं इसको यह है कि साइड सोफ़ा पे एडजस्ट कर सकती हूँ, या फिर सिंगल पीस ही कभी लगाना हो तो लगा सकती हूँ, बट ये बस एक छोटा सा कॉन है कि आपको सिंगल पीस ही मिल पाता है, बहुत ही लक हो तो 2-3 पीस सेम मिल जाते हैं, अदरवाइज नहीं। सो गाइस ज़रूर एक बार चेक करना, और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, ऐसे ही मैं और वीडियोस लाती रहूँगी आपके लिए।